सो गाइज आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ में। और ये जो वीडियो है ये प्लान थी कि दो दिन पहले आएगी, लेकिन थोड़ी टेस्टिंग हमें लगा कि थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये जो फ़ोन है दोनों ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई कैमरा कंपैरिजन इन दोनों फ़ोन का करिए, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोग को बताया जाए। तो ये है, आपको पता है कि वन प्लस नॉट टू, और हो सकता है कि आप इस फ़ोन को पहचान ना पा रहे हो क्योंकि भाई थोड़ा कलर वगैरह ज़्यादा हो गया इसमें, लेकिन ये है आईकू 7 मोस्टर ऑरेंज। और ये फ़ोन जो है बिल्कुल सिमिलर है आईकू 7 के, खाली यहाँ पे कलर का डिफरेंस है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों ही स्मार्टफोन का, और काफ़ी सारी टेस्टिंग हमने की है दोनों स्मार्टफोन के ऊपर। और भाई मुद्दे की बात कर ली जाए तो काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट चले जाते हैं ऐसे ही, मतलब यार काफ़ी मेहनत लगती है कैमरा कंपैरिजन करने में, आपको पता है पार्क वार्क में जाना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, तो यार थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें। नहीं अब दोस्तों एक चीज़ हम क्लियर करेंगे सबसे पहले कि OIS आपको इस फ़ोन में दिया गया है कि नहीं। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे, काफ़ी डाउट क्रिएट हो गया है। और ये हुआ क्यों था, क्योंकि अमेजन पे आपको कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि OIS इस फ़ोन में है या फिर नहीं है। तो थोड़ा सा हमने रिसर्च किया इस बारे में, तो अगर आप जाएंगे OnePlus की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको OIS इस फ़ोन में मिलता है। और अगर आपके पास फ़ोन है ये वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपकी आँखें थोड़ी तेज़ हैं तो हल्का सा वीडियो मोड में अगर आप जाएंगे, तो अगर आप ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो यहाँ पे कैमरे का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, तो उससे पता चलता है कि OIS आपको इस फोन में दिया गया है। और रही बात IQ 7 की, तो OIS यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप जानना चाह रहे हैं कि भाई दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन कौन से सेंसर मिलते हैं या फिर कितने मेगापिक्सल के कैमरे एक्चुअल में दिए गए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोनी IMX766 जो कि एक 50 मेगापिक्सल कैमरा है, साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। और मुझे लगता है कि OnePlus को एटलीस्ट 13 मेगापिक्सल का कैमरा देना चाहिए था, क्योंकि इस फ़ोन का प्राइस 30,000 रुपीज़ है। और एक और कैमरा आपको दिया गया है जो कि है 2 मेगापिक्सल का, और ये एज अ मोनो कैमरा काम करता है। वहीं अगर हम बात करें आईकू 7 की, तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर है ये है सोनी IMX598 और ये आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड है। और जो तीसरा कैमरा है वो आपको देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल और ये भी मोनो कैमरा है। अब यहाँ पे बात करते हैं रियर कैमरे की क्वालिटी की, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि जो डायनेमिक रेंज है वो OnePlus की थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। हालांकि हल्का सा आपको डार्क लगेगा ये जो वीडियो है OnePlus का, और कलर थोड़ा सा अच्छे से मैनेज किया है IQ 7 ने। और यहाँ पे आप एक बोर्ड भी देख सकते हैं जहाँ पे लिखा है कि पार्क के अंदर गंदगी फैलाना मना है, तो यहाँ पे भी हल्का सा डार्क कर दिया है OnePlus ने, हल्का सा कलर बूस्ट करता है ये आप समझ सकते हैं। तो फोकस अगर आप देखेंगे तो दोनों स्मार्टफोन लगभग सिमिलर टाइम में ही कर रहे हैं, हल्का फुल्का आपको हो सकता है कि डिफरेंस नोटिस हो, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा है। अब गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है OnePlus Note 2 में एक वीडियो बोके मोड, और अभी जस्ट मुझे रियलाइज हुआ, जब शूट किया तो मैंने देखा नहीं। और यहाँ पे एक ब्लंडर सा OnePlus ने कर दिया है। एक्चुअल में वीडियो बोके मोड में क्या होता है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो फोकस में रहता है, बैकग्राउंड आपका ब्लर हो जाता है। गाड़ी जा रही भाई, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका DSLR वाला इफेक्ट आता हल्का सा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल फोकस में हूँ, मेरे हाथ में एक फ़ोन है जो कि है Vivo X60 और ये पूरा का पूरा ब्लर हो चुका है। तो एक्चुअल में अगर आप कोई चीज़ मान ली दिखाते हैं वीडियो में कुछ इस तरीके से कि भाई ये माइक है, इसको आपको खरीदना है नहीं खरीदना, तो ये चीज़ ब्लर हो जाएगा, आप फोकस में रहेंगे तो काफ़ी अजीब लगता है। और मुझे लग रहा है कि AI भाई OnePlus का सही से काम नहीं कर रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो वीडियो है ये हम लो लाइट कंडीशन को चेक करने के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हल्का सा इसके पहले भी मैंने रिकॉर्ड किया है और चेक किया कि OnePlus का जो Note 2 है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है लो लाइट के अंदर, और लाइटिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नॉइज़ की, तो नॉइज़ हमको दोनों फ़ोन में लगभग सिमिलर देखने को मिली है। अब दोस्तों बात कर लीजिए कुछ फ़ोटोज़ की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हमने खींचे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, और जितने भी फ़ोटोज़ यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं अगर आपको डाउनलोड करके खुद देखना है तो ओरिजिनल क्वालिटी में हमने अपलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो OnePlus का स्मार्टफोन है यहाँ पे हल्की सी आपको शार्पनेस की कमी लगेगी और थोड़ा एक्सपोजर का लेवल भी कम है, और यहाँ पे काफ़ी शार्प इमेज आई है और देख सकते हैं थोड़ा सा एक कलर बूस्ट भी आप कह सकते हैं इसको। और ये फ़ोटो आपको देखने में थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है, ये IQ 7 से खींची गई है। हालांकि यहाँ पे वाटरमार्क मैं ऑन करना भूल गया था, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ में वाटरमार्क आपको दिखेगा बाद में मैंने ऑन किया,
और अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लर वगैरह की, तो काफ़ी बढ़िया काम किया है दोनों ही स्मार्टफोन ने। तो अगली फ़ोटो की अगर हम बात करें, तो ये एक फ्लावर की फ़ोटो है, काफ़ी क्लोज में जाके हमने खींची है। और यहाँ पे अगर हम कलर की बात करें, तो कलर्स आपको डिफरेंट मिलते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में। तो अगर आप दोनों फ़ोटो को जूम करेंगे, तो डिटेल थोड़ा और जूम करते हैं हम यहाँ पे, और देख सकते हैं कि जो डिटेल है वो लगभग से आपको सिमिलर मिलती है। वन प्लस में थोड़ी सी आपको बेटर मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रेशे मिलते हैं इसमें थोड़े से मिसमैच हो गए हैं, मतलब फेड हो गए हैं। तो ये एक चीज़ आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ और फ़ोटोज़ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें थोड़ा सा डायनेमिक रेंज का आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हालांकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा बादल बादल तो आपको देखने को लगेगा, हल्का रेडिश है, इसमें हल्का येलो टाइप का हो गया है। तो असली कलर तो यही है हल्का सा, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक भी कर दिया है वन प्लस ने, जबकि यहाँ पे हल्का ब्राउन है। तो ये भी एक चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे कलर्स की, तो घर के ऊपर जो कलर है वो भी थोड़ा इसमें ज़्यादा आपको बेटर देखने को लग रहा है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डल लग रहा है। और एक चीज़ और आप देखेंगे, थोड़ा यहाँ पे जूम आउट करते हैं, तो जो मेन चीज़ है इस पे हमने फोकस किया था, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे लाइट मिलता है, और ये फ़ोटो थोड़ा देखने में ज़्यादा बेटर आपको लगती है। ये आप देख सकते हैं, लगभग सिमिलर आप बोल सकते हैं। आईक्यू में हल्का सा यहाँ पे मिसमैच कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि डिटेल्स आपको थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलती हैं वन प्लस के अंदर। अगर यहाँ पे आप जूम करके देखेंगे और इसमें भी जूम करके देखेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रही है इसकी पिक्चर। और जो कलर्स वगैरह हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से मैनेज किया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोज़र का लेवल बढ़ा दिया गया है। और अब आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से खींची हुई फ़ोटो। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें वाटर मार्क नहीं है, और वन प्लस का कैमरा सेल्फी कैमरे में पता नहीं क्यों वाटर मार्क नहीं देता भाई, ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं अगर आप थोड़ा जूम करेंगे, तो काफ़ी सिमिलर आप इसको बोल सकते हैं। इवन जो हेयर है वो भी काफ़ी इसमें हल्का सा थोड़ा ज़्यादा ब्लैक है, इसमें हल्का सा कम ब्लैक है। अब गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं वाइड एंगल कैमरे की। तो यहाँ पे एक फ़ोटो आप देख सकते हैं जो कि हमने खींची है बिल्कुल सेम कंडीशन के अंदर, लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि एक्चुअल में यहाँ पे ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा कम है वन प्लस में। और हालांकि कैमरे का थोड़ा डिफरेंस कह सकते हैं सेंसर का, यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल मिलता है, यहाँ पे 13 मेगापिक्सल है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। और ये लाइटिंग का इशू थोड़ा चेक करने के लिए मैंने एक फ़ोटो और खींचा था, एक नहीं एक्चुअली मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची थी, हम आपको दिखाई दे रहे हैं खाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोटो के अंदर भी आपको वही सेम कंडीशन है, लाइटिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी है। इवन अगर आप जूम करके देखेंगे, तो आपको घास जो है यहाँ पर वो बिल्कुल से एकदम लग रहा है कि आपस में मिक्सचर बन गया एकदम, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये फ़ोटो वाइड एंगल में आईक्यू ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आई होप कि ये सॉफ्टवेयर पे थोड़ा वन प्लस को काम करना चाहिए। और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, इसको हमने रियर कैमरे से खींची है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ये एक्सपोजर का लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे काफ़ी बैलेंस्ड है, तो इसको भी हम लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो देखो यार, बात ऐसी है कि ये जो फ़ोन है ये लो लाइट के अंदर मुझे अच्छा लगा है, डेफिनेटली अच्छा लगा है। लो लाइट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे वन प्लस के प्रीवियस रिकॉर्ड से, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आई है। और हो सकता है कि जो बेस कोड है कलर ओएस का, उसकी वजह से हुआ हो, तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हाँ लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं डे लाइट परफॉर्मेंस की। तो डे लाइट में हल्का ऊपर नीचे दोनों को मैं बोलूँगा, यहाँ पे कोई भी कैमरा यहाँ पे परफेक्ट नहीं है दोस्तों। ये फ़ोन एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया मैनेज करता है, लेकिन ये फ़ोन हल्का सा कहीं कहीं आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी अगर आप फोटो खींचेंगे दिन में। और स्पेशली देखा जाए तो ह्यूमन फेस पे ये फ़ोन हल्का पेन टाइप का इफेक्ट बना देता है दिन में, रात में तो काफ़ी नेचुरल आता है, तो इस पे भी वन प्लस को थोड़ा सा काम करना चाहिए। अब भी कंफ्यूज हैं, तो हम आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा सा गेमिंग एंथुजियास्ट हैं, आपको गेमिंग वाला थोड़ा एस्थेटिक पसंद है, तो शायद ये फ़ोन आपको ज़्यादा बेटर लगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 870। अगेन दोनों स्मार्टफोन 5G सपोर्ट करते हैं नो डाउट, लेकिन ये फ़ोन आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ्रेम रेट देगा। और एक चीज़ यहाँ पे है कि हीटिंग थोड़ी सी आपको वन प्लस नॉर्ड में मिलती है जितना भी फ़ोन मैंने यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी हीटिंग नहीं मिलती है। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको गेमिंग करनी है तो शायद ये फ़ोन आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ दोनों ही स्मार्टफोन अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं। हालाँकि जो डायमेंसिटी 1200 है, उसकी परफॉर्मेंस मुझे उतनी ज़्यादा खास नहीं लगी जितना हाइप वन प्लस ने बनाया था।
और चूंकि एक यहाँ पे एक रीज़न और है कि जो इसमें मिलता है आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 870, ये वन प्लस के 9R में मिलता है, तो इसमें दे ही नहीं सकते थे, और देते तो इसका प्राइस और अब चला जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं भाई, ब्रांड अगर ब्रांड प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि एट द एंड आपको चाहिए क्या, आपको कैमरा चाहिए, आपको गेमिंग चाहिए, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे डिपेंड करती है। हालांकि कैमरा कंपेरिजन वीडियो था लेकिन थोड़ा ओपिनियन बेस्ड हो गया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और लाइक कर देना भाई। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, बाय।